राजस्थान जिसके एक तिहाई हिस्से में है थार का रेगिस्तान, यहाँ बरसात औसत से भी कम होती है। ऐसे में भूजल स्रोतों का पुनर्भरण भी नहीं हो पाता। ऐसी विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद आज वसुंधरा सरकार के अथक प्रयासों से विभिन्न सतही जल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुँचाया जा रहा है। भीलवाड़ा जहाँ कभी ट्रेनों से पानी पहुँचाया जाता था, आज वहाँ चंबल का पानी पहुँच रहा है। आदिवासी क्षेत्र बागीडोरा में भी माही का पानी पहुंच गया है। अब नागौर जिले में नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम प्रगति पर है। ऐसे ही इंदिरा गांधी केनाल, बीसलपुर, बनास और जवाई बांध जैसे प्रवाही जल स्रोतों से पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की 33,441 करोड़ की 118 वृहद योजनाएं बनाई गयी। साथ ही सतही जल को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख नदियों को जोड़कर वाटर ग्रिड बनाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रगति पर है। ऐसे क्षेत्र जहां पानी खारा या अधिक फ्लोराइड युक्त है, वहां लगभग 2000 आरओ प्लांट्स लगाकर 20 पैसे प्रति लीटर शुद्ध पानी मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही 1520 डी फ्लोराइडेशन यूनिट स्थापित की गयी जिनसे लोगों को निःशुल्क पानी मिल रहा है। इन यूनिट में से 952 सौर ऊर्जा आधारित है। हर जिले में पेयजल गुणवत्ता जांचने हेतु एक प्रयोगशाला है। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के साथ समन्वय कर भूजल स्रोतों को रिचार्ज किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जीन छीन पाइपलाइन बदलने की 1830 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 928 अभियंताओं को नियुक्ति दी गई। WSSO ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। साथ ही ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक क्षमता संवर्धन का कार्य भी कर रही है। 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित। 17,322 करोड़ खर्च। वर्ष 2018 तक 1.5 करोड़ आबादी को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करने का लक्ष्य। स्वराज के 4 साल, सोच नहीं काम कई।